बहुत ही प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है? आप मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत ही करेंगे। कैसे गलत करेंगे? देखो फिगर देखेंगे, क्या है? डाइस है। आप टोटल गैस कितने लिखोगे? छह लिख दोगे, क्योंकि चक्री दिख रही है, चक्री में छह लिखा हुआ है। अब आपने गलती कहां करी? सर फेवरेबल केस, टोटल केस कितने हैं? छह, यही गलती कर दी। क्वेश्चन को आपने पढ़ा ही नहीं। क्या कह रहा है? इन फिगर और डिस्क ऑन विच अ प्लेयर स्पिन एरो ट्वाइस, किसको कर रहा है? ट्वाइस कर रहा है। अब थोड़ा ध्यान दो तो छह है और एक और छह नंबर को दो बार करेंगे तो एक तरीके से डाइस का केस बन गया। बिल्कुल बन गया सर, डाइस वाला बन गया ये। तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? 36। ध्यान रखना टोटल आउटकम कितने आएंगे? 36। यही एक क्वेश्चन की खासियत थी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम, टोटल आउटकम 36। यही भी आप गलती कर देते। अब वो क्या कह रहा है? देखो द फ्रैक्शन और इतना वेयर, अब देखना ध्यान से, ठीक है? ध्यान से समझना। हमें क्या कह रहा है कि घुमाया तो ए आया और अपॉन में नीचे कितना है? बी। मतलब और ए और बी को किस हिसाब से रखूं कि उनका जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, मतलब उनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? कि भाई मान लो मैंने डाइस फेंकी, मैंने कहा कि भाई ऊपर 2 से बड़ा नंबर आना चाहिए और नीचे 2 से छोटा, तो उसके चांस क्या है? आई बात समझ? उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि ए और बी, मतलब ऊपर अगर मैं 2 रखूं और नीचे 1 रखूं तो तब ग्रेटर देन 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसे कितने केस संभव है? आई बात समझ में? अल्टीमेट पिछले 10 या 15 या 20 साल के इतिहास में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अल्टीमेट क्वेश्चन है। 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। गलती कहां होगी? पहले स्टेप में आउटकम 6 लिख देंगे और 1/2 1/3 ऐसे करके रिजल्ट गलत करके आएंगे, जबकि सरासर गलत है। ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ है बिल्कुल एकदम जीनियस बच्चे के लिए, जिसको मतलब अलग निकालना हो भीड़ से अलग 99.5% से अबव वाले के लिए। अब आप भी कर लोगे, घबराओ मत, आप उसी कैटेगरी में आ जाओगे, बस इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है? अब हम रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है? रिजल्ट क्या बनेगा ध्यान से देखना भाई। हमें डाइस पता है, डाइस के केस में क्या क्या होता है ध्यान से समझना। दो बार घुमा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा स्टॉप कर देता हूं ताकि केस लिख दूं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखो टोटल केस इतने बनेंगे 36, ठीक है? अब ध्यान से समझना बेटा, पूरा गेम यहीं पर है। अगर मैं इसको ए मान लूं, पहले वाले को मैंने ए माना और सेकेंड वाले को बी माना, तो मैं ए और बी को ग्रेटर देन 1, अगर मैं सपोज करो 1/2 रखता हूं, इसको 1 माना और इसको बी, इसको ए माना इसको बी माना, तो 1/2 क्या ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये केस नहीं चलेगा। फिर ऐसे ही अगर मैंने 1/3 रखा तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये केस नहीं चलेगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, अच्छे से क्लियर है? अब देखो ध्यान से, तो हमें इस हिसाब से वैल्यू लिखनी है कि कौन कौन से केस चलेंगे नहीं चलेंगे। मतलब ए अपॉन बी को ग्रेटर देन 1 करना है, क्या कोई संभव है? तो इसमें से तो कोई केस नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, नहीं चलेगा ना भाई, क्योंकि सारी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। यहां देखो 2/1 करता हूं तो ये केस चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, 2/1। तो ए अगर मान लो 2 है और b इक्वल टू 1 है, तो 2/1 क्या ये ग्रेटर देन 1 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो ये केस चल जाएगा। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा ध्यान से देखो, क्यों? 2/2 कट के कितना आएगा? 1, और ये क्या 1 ग्रेटर देन 1 होता है? नहीं चलेगा। फिर ये सारे केस छोटे हो गए, तो यहां से हमें एक केस मिला। दूसरा केस देखो, ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। 3/1 देखो ध्यान से, 3/1 क्या ग्रेटर देन 1 होता है? बिल्कुल होता है। फिर दूसरा देखो, 3/2 क्या ग्रेटर देन 1 होता है? बिल्कुल होता है, ये 1.5 होता है। आया समझ में? तो ये वाले यहां से कितने केस चलेंगे? यहां से 2 केस चलेंगे, तो इससे ये और ये। फिर तीसरे पे देखो, तीसरे वाले से 3 केस चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो ये तीनों केस चल जाएंगे। चौथे वाले में चारों केस चलेंगे, ध्यान से देखो चारों केस चलेंगे, 1, 2, 3 और 4। और पांचवें वाले में क्या? पांचों केस चलेंगे। पांचों केस मतलब ये सारे 1 से बड़े आएंगे, करके देख लेना, 1, 2, 3, 4, 5। आई बात समझ में? ये था क्वेश्चन बेटा। तो टोटल केस कितने बने ध्यान से काउंट करेंगे, तो नीचे से बने 5, यहां से बने 4, 5, 4, 9, और यहां से बने 3, 9, और 3, 12, 13, 14 और 1, 15। आई बात समझ में? तो टोटल कितने केस बनेंगे? 15। काउंट कर लो, नीचे वाले से 5 बने, 5 और 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15। तो अब समझ में आया? मिटा दूं ये, यहां तक क्लियर है? 15 केस, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहां देखो ध्यान से, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है? तो फेवरेबल कितने हैं यहां पे ध्यान से देखो, 15 केस बने, कितने केस बने? 15, और टोटल केस कितने हैं? 36, ठीक है? ये किस 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है सर, तो ये 5 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा,
यही हमारा आंसर है। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला था इस क्वेश्चन को कि बोर्ड के इतिहास में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये इसलिए कारण है, यही कारण इसलिए ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है, अल्टीमेट क्वेश्चन है बेटा, नोट डाउन करना अच्छे से। नई वीडियो समझ में आए दोबारा से देखना, स्टॉप करके स्लो मोशन में करके देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। ऐसे अमेजिंग और अद्भुत क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। हम डेली वीडियो लेके आते हैं, अभी आपके सीजन पेपर एग्जाम है 21 मार्च को, उस हिसाब से मैं डेली 20 से 30 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराए हुए। चैनल पे जाना, चेक करना, वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एपी की, क्वाड्रेटिक की, ट्रिग्नोमेट्री की, हाइट एंड डिस्टेंस की, पिछले 10 to 15 ईयर्स के सारे बेस्ट क्वेश्चन करा रखे हैं। यकीन मानो अगर आपने वो वीडियो देख ली, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में कि आप ना कर पाओ, ऐसा संभव ही नहीं है। बस अच्छे से वीडियो को पूरा देखना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो। बहुत ही प्यारा, शानदार और सीबीएसई के पिछले 10 सालों के इतिहास का दूसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन। सर दूसरा क्यों, पहला क्यों नहीं? पहला इससे अब करवाऊंगा, पहले ये करवा दूं फिर पहला करवाऊंगा। तो वीडियो पे बने रहना, ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, पढ़ना, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, पक्का गलत करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपको यकीन ना आए तो अभी क्वेश्चन को नोट डाउन करो, यहाँ पे नोट डाउन करो और बैठ, अभी वीडियो को यहीं पे पॉज करो और अपने से प्रैक्टिस करो, देखो अगर इसका आंसर आपसे सही आ गया, बताऊंगा कहां गलती होगी आपसे, ठीक है, और कैसे आपको करना है। बहुत अच्छे समझना, वीडियो में एंड तक बने रहना। क्वेश्चन देखते हैं पूरा क्या कह रहा है। A number x is selected at random from the number 1 2 3 and 4. Another number y is selected at random from the number 1 4 9 or 16. Find the probability that product of x and y is more than 16. ठीक है सर, केस कितने बनेंगे? पहले जरूरी चीज तो ये है कि टोटल केस कैसे बनेंगे, तो टोटल केस कैसे निकालेंगे? टोटल केस दो नंबर कौन-कौन से है भाई? x और यहां पे लिखा मैंने y। सर दूर-दूर क्यों लिखा? अभी समझ में आ जाएगा। x क्या है मेरा? x है 1 2 3 और 4, ठीक है, एक ही साथ है यार, ये अलग क्यों लिख दिया मैंने, एक ही साथ है ये सब, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। वाई के सर, वाई क्या है? वाई देखो ध्यान से, वाई है हमारे पास 1, 4, 9 एंड 16, ठीक है, ये दो नंबर है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इस वन की इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, ध्यान देखो, 1, 1, 1, 4, 1, 9 और 1, 16। पहला, दूसरा क्या है ध्यान से समझना, अलग मार्कर ले लेते हैं, ग्रीन वाला, 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ तो क्या आएगा, 2, 1, 2, 4, 2, 9 और 2, 16, ठीक है। फिर तीसरा देखो, 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ तो क्या आ रहा है, 3 तो स्टार्टिंग में रखेंगे और 3, 1, 3, 4, 3, 9 एंड 3, 16, ठीक है। एक लास्ट बच गया, कौन सा सर? 4 वाला, ध्यान से देखना, इस 4 की मल्टीप्लाई अब इस 4 की इस पूरे से करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, 4, 1, 4, 4, 9 एंड 4, 16, ठीक है। टोटल इस केस को काउंट करोगे, टोटल केस बनेंगे 16, कितने बनेंगे 16, काउंट कर लेना, तो मतलब अल्टीमेट हमारे पास टोटल केस कितने हुए 16। अब फेवरेबल केस कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखो, अब समझ में आया मैंने आपसे क्यों बोला कि वीडियो को पॉज करके अपने से करो, क्योंकि आप टोटल केस बना ही नहीं पाओगे। फेवरेबल केस कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, हमें क्या कह रहा है, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 16 से ज्यादा चाहिए, 16 से ज्यादा, मोर देन 16, इसमें से कोई केस चलेगा? नहीं चलेगा। 1, 2, 3, 1 का 1 into 1, ये x है ये y है तो 1 into 1, 1 into 4, 4, तो इसमें से कोई केस नहीं चलेगा, यहाँ पे 16 आ रहा है, नहीं चलेगा। यहाँ पे देखना ध्यान से, इसमें से कोई केस चलेगा? बिल्कुल चलेगा, एक ये चलेगा, 9 दुनिया 18 आ रहा है, 16 से ज्यादा बिल्कुल है, 16 दुनिया 32 16 से ज्यादा बिल्कुल है सर। तीसरा केस देखो, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये चल रहा है बिल्कुल सर, 9 दिया 27 और 16 दिया 48 बिल्कुल। अब यहां देखो सर, ये चलेगा बिल्कुल चल रहा है, ये चल रहेगा बिल्कुल चलेगा, तो टोटल केस कितने हुए ध्यान से देखो, टोटल केस कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मतलब अल्टीमेट फेवरेबल केस कितने हुए 6। आई बात समझ में, क्यों कहा था मैंने क्वेश्चन बहुत दमदार है, अब आया समझ में आपको? तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है।
फेवरेबल कितना हुआ हमारे पास 6 और टोटल कितने हो रहे हैं 16, दोनों को काटेंगे तो 3/8 आंसर आएगा। ध्यान समझना, आया समझ में? अब समझ में आया क्यों मैंने कहा था? और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.375 और परसेंटेज में लिखेंगे तो 37.5%। कोई सा भी आंसर लिख देना, सारे सही है, ठीक है? आई बात समझ में? अब समझ में आया क्वेश्चन क्यों मैंने बोला था दमदार है, क्यों बोला था कि सेकंड सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट अब इसी बात कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करना, अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताना प्लीज। 10 सेकंड लगते हैं यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, 5 मिनट का वीडियो शूट करने में, एक्सपोर्ट करने में, एडिटिंग करने में लगभग आधे घंटे लग जाते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम उस लिए नजर से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, एटलीस्ट सब्सक्राइब ना करो लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो, ठीक है? और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाना, 40 वीडियो डाली है मैंने प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी छोड़ो मैंने एपी के पिछले 10 साल के 15 साल के सारे क्वेश्चन कराए हैं, 100 वीडियो पड़े हुए हैं एपी के क्वाड्रेटिक के, उनको देखो बोर्ड में उसके सिवा कोई कंसेप्ट रिपीट नहीं होगा, मैंने सारे कंसेप्ट कवर कराए। एक बार आप जाके तो देखो, अगर भाई आपको अच्छा लगे नहीं समझ में आए तो चैनल को बेशक अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन एक बार देखो तो एटलीस्ट कम से कम, ठीक है? आप ही के लिए बनाए गए हैं। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगली वीडियो में नंबर 1 क्वेश्चन के साथ जो सबसे बढ़िया बोर्ड का है, ठीक है? तब तक खुश रहो, मस्त रहो, तैयारी करते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, दावे के साथ बोल सकता हूं पिछले 10 साल में सीबीएसई के इतिहास में अब तक के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन से एक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। 99.999% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, गलत क्या छोड़ ही देंगे, समझ में ही नहीं आएगा। वीडियो पे बने रहना एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा। अगर नहीं समझो देखोगे एंड तक तो नहीं समझ में आएगा, स्किप करोगे मिस हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, फिर बाद में मत बोलना कि सर बताया नहीं। 4 नंबर का आया हुआ है 2016 में, गूगल कर लेना चाहे, ठीक है? प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है? और नंबर x इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1, 2, 3 एंड 4, अनदर नंबर y इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1, 4, 9 एंड 16, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 60। मतलब x और y की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 16 से कम, इसमें टोटल केस क्या लेंगे जरूरी ये है पहले, ठीक है? टोटल केस देखो कैसे निकालेंगे, टोटल केस ध्यान समझना बेटा, टोटल केस क्या कह रहे हैं, नंबर है एक्स और वाई, ठीक है? नंबर क्या है हमारा एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, एक्स कितना है देखो, एक्स कितना है 1, 2, 3, 4 और वाई कितना है 1, 4, 9 और 16, ठीक है? अब इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो क्या क्या केस बनेंगे 1, 1, ठीक है? फिर 1, 4, 1, 9, फिर 1, 16। पहला समझ में आया? दूसरा केस क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो यहां देखो क्या लिखेंगे 2, 1, 2, 4, 2, 9 और 2, 16, ठीक है? दूसरा केस। तीसरा देखो, 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो क्या आएगा 3, 1, 3, 4, 3, 9 और 3, 16। अगला, फिर उसके बाद चौथा केस बच गया हमारे पास, ये इस 4 की इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4, 1, 4, 4 और फिर 4, 9 और 4, 16। यहां तक समझ में आया? इस पूरे को गिनोगे ना तो ये पूरे केस बनेंगे 16, ये ही है हमारे टोटल केस। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज लेस देन 16, 16 से कम कहां हो रहा है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना भाई, यहां हो रहा है, यहां से देखो एक केस ये चलेगा 16 से कम, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस, 16 है बेटा, ये मेरी गलती हो गई, ये तो ये केस नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई 16 से कम चाहिए, यहां तो 16 हो रहा है ना, ठीक है? यहां देखो ये केस चलेगा बिल्कुल, ये केस चलेगा बिल्कुल, ये चलेगा नहीं सर, ये भी चलेगा नहीं सर, फिर यहां देखो ये केस चलेगा और ये केस चलेगा, तो 1, 2 और ये नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, यहां देखो सिर्फ यही केस चलेगा, ये नहीं चलेगा। आई बात समझ में? तो फेवरेबल केस कितने हो, काउंट कर लो 1, 2, 3 और फिर 4, 5, 6, 7, 8, फेवरेबल केस कितने हुए 8। आई बात समझ में? तो फेवरेबल केस कितने हुए, फेवरेबल
केस इक्वल टू आठ। ये चीज समझ में, ये था ये क्वेश्चन, ये आठ के आठ केस आपको यहाँ पे लिख के दिखाना है, सब्जेक्टिव पेपर है आपका, ध्यान रखना। बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने यहां लिख दिया और बता चुका हूं आपको। तो यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। तो फेवरेबल कितना आया 8 और टोटल कितना है 16, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 1/2 और पॉइंट और 0.5 और इसी को क्या लिख सकते हैं 50%। तीनों आंसर है, कोई सा भी एक लिख के आ जाना, ठीक है। और बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इससे प्यारा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, बता रहा हूं इस तरह का, मतलब अच्छे से समझना। और ऐसे अमेजिंग और बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, 40 वीडियो को बड़े हुए मिलेंगे। मैंने अब तक के पिछले 10-15 साल में जितने बेस्ट क्वेश्चन आए हैं सारे करवाए हैं ईयर वाइज, अच्छे से देखना, वेल एक्सप्लेन है। अगर उनको आपने देख लिया, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, वो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। नोट डाउन करना, अच्छे से समझना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोर्ड में देखेंगे, 3 नंबर का, 2016 में आया था और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्यों, कार्ड बेस्ड क्वेश्चन है भाई, कार्ड बेस्ड एग्जामिनर का फेवरेट होता है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो देखिए, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, हमें पता है कि भाई ये क्या है, हमारा हार्ट, ये हार्ट है, ये डायमंड, डायमंड जल्दी से कर लेते हैं, डायमंड, ये स्पेड, स्पेड और ये क्लब, ठीक है। 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड में से देखो ये 13 रेड होते हैं, इधर 13 रेड और इधर 13 रेड, यहां से देखो यहां पे भी 13 रेड और ये 13 रेड, और इन 13 रेड में से 10 तो नंबर वाले कार्ड होते हैं, नंबर कार्ड, नंबर कार्ड्स, ठीक है, और एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होता है, ठीक है। सेम सिमिलर भी मैंने इन सब में भी वही पैटर्न होता है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब क्या कह रहा है, कार्ड्स जैक क्वीन एंड क्वीन ऑफ रेड कार्ड आर रिमूव, मतलब टोटल हमारे पास कितने कार्ड होते थे, टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड 52, और 52 में से क्या क्या रिमूव कर दिए, जैक किंग एंड क्वीन ऑफ रेड कलर, मतलब 3 यहां होंगे और 3 यहां होंगे, मतलब 6 कार्ड हटा दिए, तो टोटल कार्ड कितने बचे भाई, बचेंगे 44, 45, 46, 46, ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो, पहली गलती आपसे यही हो जाएगी, आप पूरा नहीं पढ़ोगे, यहीं पे 52 रखोगे, यहीं पे गलती कर दोगे, तो ध्यान से समझना, ये समझ में आया कि टोटल केस कितने होंगे, 46, हमें 46 ही कार्ड लेने हैं, क्यों, क्योंकि भाई कितने कार्ड हटा चुका है वो, 6 कार्ड हटा चुका है ना, और ब्लैक किंग, और ब्लैक किंग आने के चांस, तो फेवरेबल केस क्या होंगे, देखो फेवरेबल केस, ठीक है, ये ए पार्ट है, ए पार्ट, तो फेवरेबल केस कितने होंगे, देखो ब्लैक किंग कह रहा है वो, ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग कितने होते हैं 2, ध्यान रखना ब्लैक किंग कितने होते हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल कितना है 46, ध्यान रखना यहां 52 मत करना वरना गलत हो जाएगा बेटा, वो कार्ड में से 6 कार्ड निकाल चुका है, तो आंसर कितना आएगा इसका 1/23, ये पहले पार्ट का आंसर है। बताना कुछ मुश्किल था, मुश्किल ये था कि आप ये लाइन सही से पढ़ते नहीं हो, यहां पे गलती कर देते हो, ठीक है, अच्छे से समझ में आया बिल्कुल। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या कह रहा है, ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये हमारा हटा दिया यहां पे, ये फेवरेबल केसेस रखते हैं, बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट क्या कह रहा है, ऑफ कार्ड ऑफ रेड कलर, अब देखना यहां ध्यान से बेटा, ध्यान से, टोटल रेड कलर कितने होते हैं, रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं 26, और 26 में से मैंने कितने निकाल दिए 6, भाई ये रेड कलर ही निकले ना, तो 26 में से 6, तो कितने बचे 20, यही तो 20 कार्ड तो जो होंगे हमारे पास रेड कार्ड होंगे, और वही तो कह रहा हूं कि अ कार्ड ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के फेवरेबल केस कितने होंगे 20, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल 20 अपॉन टोटल 46, तो इसको काटेंगे 10/23, अब ये आगे नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, 23 प्राइम नंबर है और ऊपर इवन नंबर है, आई बात समझ में, सिंपल सा है, दूसरा भी समझ में आया। अब तीसरा देखो क्या कह रहा है, अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, अ ब्लैक कलर का, ठीक है, तो ब्लैक कलर का कार्ड कितना होगा देखना ध्यान से भाई, ब्लैक हमारे पास, ब्लैक तो 26 है ना, ब्लैक से तो कुछ निकाला ही नहीं,
आई बात समझ में, जो निकाल रहा है वो रेड से निकाल रहा है, तो ब्लैक तो 13 इधर 13 इधर, तो कितने हो गए 26, तो ब्लैक कितने हो जाएंगे 13 + 13 मतलब 26, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल, फेवरेबल मतलब 26 अपॉन टोटल 46, इसको काटेंगे तो 13 / 23, दोनों प्राइम नंबर है नहीं कटेंगे। आई बात समझ में क्लियर अच्छे से, यही हमारा आंसर है। क्या मुश्किल था बताना, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, सिंपल सा है और कार्ड एग्जामिनर का फेवरेट है, ध्यान रखना कार्ड से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आई बात समझ में अच्छे से नोट डाउन करो, वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखो, बहुत अच्छे से समझो, और या हो सके तो अगर आपके पास प्लेइंग कार्ड है तो उसमें ये लगाए देखो, आपको आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगे, और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है, जो बताना जरूर, अपने सजेशन देना, तभी मैं वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने अब तक 40 प्रोबेबिलिटी के पिछले 10 इयर्स 15 इयर्स के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अच्छे से देखो, उसी से बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, उससे अलग कोई कंसेप्ट नहीं पूछेगा। आई बात समझ में बच्चे लोग, खुश रहो स्वस्थ रहो, अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहो और मुस्कुराते रहो, ठीक है, टेंशन मत लो, सर है आपके सारे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे सर, ठीक है, नोट डाउन करो इन क्वेश्चनों को, अगला करते हैं, ठीक है।